Hello everyone, today we will discuss past indefinite tense. In our previous video we discussed present tense, and now today we will discuss past indefinite tense. So let's start. First of all, we have to know about the definition of past indefinite tense. Past indefinite tense क्या है? An action which is done at fixed past time, यानी कि कोई action, an action, कोई काम which is done, जो पूरा होता है at fixed past time, भूतकाल के कोई निश्चित time हो, past का कोई fixed time हो, उसके अंदर जो काम होता है वो past indefinite tense कहलाता है. इसकी formation देख लीजिए, subject plus verb की second form plus object, simple में जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारे पास नेगेटिव हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी फॉर्म नहीं किए जा सकते. यानी अगर आपको कभी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो नेगेटिव देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. इंटरोगेटिव देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको आप, उसका हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले रखना होगा, तभी वो इंटरोगेटिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. ही सॉ अ स्नेक यस्टरडे, शी केम हेयर लास्ट नाइट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर. अब यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट जानेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें पास्ट इंडेफिनेट की यूज कहाँ कहाँ करने हैं. सबसे पहले तो कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दे रखी हैं, यानी अगर सेंटेंस में आपको ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नजर आए तो आप इनके साथ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा. जैसे यस्टरडे, ये देखिए हमने ये कर रखा है. लास्ट नाइट, ये देखिए ये भी कर रखा है. एगो, ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, एवरीडे, एसेट्रा. ये सारी की सारी देखिए कुछ हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट में की थी, लेकिन यहां ये पास्ट इंडेफिनाइट में हो रही हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट में क्या डिफरेंस है, जो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ये हैबिचुअल एक्शन को शो करेंगी. पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी भूतकाल में कोई आदत आपकी जो रही हो, यानी भूतकाल की जो आपकी आदत है उनमें आपको ये देखने को मिलेगा. तो आप समझ जाइएगा कि यहां पास्ट इंडेफिनाइट इस्तेमाल करना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लास्ट नाइट आई किल्ड अ स्नेक, लास्ट नाइट था टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की. ही एट, एट खाना, ही एट हिज डिनर एन आर एगो, एगो लगा हुआ था तो मैंने पास्ट इंडेफिनाइट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया. अब इसने कहा है रूल नंबर सेकंड, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यानी पास्ट की कोई आदत रही हो आपकी, तो उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं. कैसे, जब पास्ट हैबिचुअल एक्शन रहा हो आपका. शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, ये देखिए इन्वाइटेड, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है यहां पे. ऑलवेज, जब कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन होगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाली सारी जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है वो मिलेंगी. इन माय चाइल्डहुड यानी अपने बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, यानी ये पास्ट की कोई आदत हो गई है, और पास्ट का जब कोई, पास्ट की जब कोई आदत होगी तो हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं एक और. मोहन ऑफन कैरिड अ बैग, ऑफन प्राय, यानी वो रोजाना क्या करता था, कैरिड ले जाता था अ बैग, यानी इसकी पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हमने इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब ये यूज किए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनाइट इस्तेमाल होगा इनमें, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है पास्ट का, इसीलिए हम यहां पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस चीज का आपको ध्यान रहे कि पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है. रूल नंबर थर्ड जान लेते हैं.
रूल नंबर थर्ड, पास्ट इंडेफिनाइट इज यूज्ड विद इट इज टाइम। देखिए ये फ्रेज आपको नजर आई जहां इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यानी अगर सेंटेंस में आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम नजर आए, किसी भी सेंटेंस में आपको ये तीनों नजर आए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आप पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ये देखिए स्टार्टेड, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है इसकी वजह से, इट इज टाइम की वजह से। एक और देख लेते हैं, इट इज हाई टाइम, यहां हाई टाइम लिखा हुआ है, शी लेफ्ट, ये देखिए लीव की सेकेंड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है, शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। इस तरीके से जहां आपको ये फ्रेजेस नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का जो है हम यूज करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रूल नंबर फोर, पोजिशनल सेंटेंसेस। पोजिशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छा करना, सोचना, काश। पोजिशनल काश से होता है इसका मतलब, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और इनको पोजिशनल सेंटेंसेस बोला जाता है, जो स्टार्ट होते हैं किससे, इफ से, एज इफ से, एज दो से, इफ ऑनली से, आई विश, ही विशेज, वी विश, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, उनको हम पोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं और इनके साथ हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश बिकेम लगाया, ये देखिए मैंने पास्ट इंडेफिनाइट का यूज किया कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का, या आई विश आई वर द सीएम ऑफ बिहार, ये देखिए बी का पास्ट, बी की पास्ट फॉर्म है ये, ध्यान रहे ये सेंटेंस बहुत बार आता है, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, से आई वॉज नहीं करेंगे, ही होता तब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते, शी होता तब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये एक ऐसी विश है जो फुलफिल नहीं हो सकती एट द प्रेजेंट टाइम, और इसीलिए हम यहां प्लूरल का इस्तेमाल कर रहे हैं बी की पास्ट फॉर्म का, वर का, आई वर द सीएम ऑफ बिहार। तो ध्यान रहे जहां आपको पोजिशनल सेंटेंसेस मिलेंगे वहां आप पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रूल नंबर फाइव की तरफ, जब दो काम, व्हेन टू वर्क्स स्टार्टिंग टुगेदर, यानी एक साथ शुरू हो रहे हो, एक के बाद एक काम शुरू हो रहा हो, तो हम पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब दो काम एक साथ शुरू हो रहे हो तो हम वहां पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। देखिए, व्हेन आई वॉज राइटिंग, जब मैं पत्र लिख रहा था, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, सॉरी, जब मैं एक बुक लिख रहा था, राम अराइव्ड, राम आया, ये देखिए और ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इनडेफिनाइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉज कुकिंग फूड, वो भोजन बना रही थी, व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके पति आए। तो इस तरीके से जब दोनों काम एक साथ हो रहे हों तो हम एक में पास्ट इनडेफिनाइट और एक में पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, जब दो काम भूतकाल में हुए हों तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसे प्रीवियस एक्शन कहते हैं, यानी जो काम पहले हुआ हो उसे प्रीवियस एक्शन बोला जाएगा और उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा, और जो काम बाद में होगा जिसे हम सब्सिक्वेंट एक्शन कहते हैं उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे। हिंदी में अगर बात की जाए तो, यानी भूतकाल में दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले हुआ है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और एक काम जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनाइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, यानी रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द प्लांट्स हैड डाइड, पौधे सूख चुके थे, बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले, पौधे सूखने का काम पहले हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट, और बारिश आने का काम बाद में हुआ है इसलिए पास्ट इंडेफिनाइट। द पीएन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था, बिफोर वी रीच द स्कूल, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी घंटी बजाने का काम पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, और स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनाइट। तो इस तरीके से हमने कुछ रूल्स जाने हैं पास्ट इंडेफिनाइट के, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके पास्ट इंडेफिनाइट को सोल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी आज की वीडियो।
So enough for today. Thank you and have a nice day.